हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल निशास कुकिंग एंड व्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आप सभी की दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मैं आप सभी के लिए फिर से एक नए फ्लेवर के साथ लेकर आ गई हूँ पराठे की रेसिपी। तो आज का पराठा मैं बनाने वाली हूँ चीज़ पराठा रेसिपी। तो चलिए बिना वक्त को जाए कि अपनी ये जायकेदार रेसिपी को शुरू करते हैं। तो आज मैं फिर से आ गई हूँ एक नए पराठे रेसिपी के साथ। यहाँ पर मैंने लगभग एक कटोरी की साइज ले लिया है मैदा और इसमें मैंने बारीक कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया डाल लिया है। और अब मैं इसी के साथ ही डाल लेती हूँ नमक। नमक आप सभी को टेस्ट के हिसाब से ये एडजस्ट करना है, तो इसमें डाल देती हूँ नमक। और अब इसका एक बढ़िया सा डो तैयार कर लेना है। अब पानी की मदद से हल्का मैंने गुनगुना सा पानी लिया है ताकि उससे जो हमारा आटा है बहुत ही अच्छे से इसका डो लग जाएगा। तो इस तरह से इसे गूंद लेना है। तो यहाँ पर हमारा जो आटा है वो गुन चुका है, मैंने डो बना लिया है और डो भी बिल्कुल परफेक्ट गुन चुका है। तो चलिए इसे लगभग 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देती हूँ और अब मैं दूसरी चीज़ की तैयारी करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से बोल में ले ली है चीज़, और चीज़ मेरी ये वाली है, आपके पास ब्रिक वाली है तो आप उसे ग्रेट कर सकते हैं। और अब मैं इसमें डाल लेती हूँ सबसे पहले लगभग हाफ टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, नमक लगभग आप 1/4 टीस्पून डाल सकते हैं इसमें। और मैं इसके साथ अभी डाल देती हूँ लगभग एक चुटकी डाल ली है लाल मिर्च पाउडर। डालकर सबको अच्छे से कर लेना है मिक्स इस तरह से। तो यहाँ पर हमारा आटा को रखे हुए लगभग 15 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसकी लोई बना लेती हूँ। इस तरह से लोई बना लेनी है आपको। अब लोई हो रही है इस तरह से। तो चलिए अभी से बेलना शुरू करते हैं। तो चलिए अभी से बेल लेते हैं। इसे बहुत ज्यादा बड़े साइज का नहीं करना, बस थोड़ा सा मीडियम तक ही बेलना है। तो यहाँ पर जैसे मैंने बेल लिया है, अब मैंने जो अभी चीज़ की मैरिनेशन करके रखी है उसे मिक्स कर लेते हैं, आई मीन डाल लेते हैं इसमें। अब इसे डालने के बाद सबसे पहले तो इस तरह से हम इसे बंद कर लेते हैं पराठे के, एक दोबारा से लोई बना लेते हैं। एक दोबारा से लोई हमारी तैयार हो चुकी है, आप देख सकते हैं परफेक्ट लोई बन गई है। तो इसे हल्का सा टैप करते हैं हाथों की मदद से सबसे पहले। तो अब मैंने यहाँ पर इस तरह से इसे हल्के हल्के छेद कर लिए हैं, आपको लोई पे कर लेना है। और अब हल्का सा मैदा लगा लिया है लोई पर और अब इसे हल्के हाथ से हमें बेलना है। ज्यादा बड़े साइज का नहीं बनाना है पराठे को, मीडियम साइज ही रखना है क्योंकि इससे हमारा जो पराठा है वो बिल्कुल भी फटेगा नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पराठा हमारा अच्छे से बेल चुका है। तो चलिए इसे हाथों की मदद से पैन पर डाल देते हैं। और अब मैंने यहाँ पर प्री हीट पे पैन रख दिया था, अब इस पर डाल देना है पराठे को और फ्लेम को मीडियम ही करना है। तो इस तरह से हमारा पराठा हल्का सा सिक गया है, इसे मैंने फ्लिप कर दिया है। और अब मैं इसमें ऑयल लगा दूंगी, इस तरह से चम्मच की मदद से इसे फैला देना है ऑयल को पूरे पराठे के ऊपर अच्छे से। और
और अब इस तरह से आपको इनके किनारों को भी सेक लेना है ताकि ये कच्चे फल इनमें ना रहे। चारों तरफ से इस तरह से आपको सेक लेना है इन्हें भी। आप देख सकते हैं कि हमारा जो पराठा है वो अच्छे तरीके से पूरी चारों तरफ से अच्छे से सेक चुका है। तो चलिए मैं इसे उतार लेती हूँ गैस से। और मैंने यहाँ पर दूसरे पराठे को ही बेल कर और स्टफ करके रख दिया था। अब मैं इस पराठे को भी डाल देती हूँ पैन पे मीडियम फ्लेम पर। तो आप देख सकते हैं कितने मज़ेदार लग रहे हो, कितना फूल गए हैं। तो इन्हें आपको बहुत ही जोर से मतलब प्रेस नहीं करना, प्रेशर देके इस तरह से किनारों से अच्छे से सेक लेना है पराठों को चारों तरफ से। ये बहुत ही मज़ेदार और जायकेदार बनते हैं, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए, घर के बच्चों को इंशाल्लाह बिल्कुल पसंद आएंगे। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हरी धनिया हरे धनिया की चटनी और ये हमारे ज़बरदस्त चीज़ पराठा बनकर तैयार हो चुके हैं, जो बहुत ही जायकेदार बने और बहुत ही इजी और जल्दी भी बन गया है। अगर आप सभी को अपने घर के बच्चों के लिए बनाना है तो ये बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है, बच्चे बहुत ही खुश हो जाएंगे, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए मैं इसे ओपन करके दिखाती हूँ और बताती हूँ कि इसकी चीज़ कितनी मेल्ट हो चुकी है। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा गर्म हो रहे हैं पराठे और आप देख सकते हैं कि इसकी जो चीज है। अगर आप सभी को मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल पे मेरे साथ बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड डोंट फॉरगेट टू हिट बेल बटन ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से। अलविदा दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।